हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छबी सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीए सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश पोइट्री की यूनिट नंबर 7 से डब्ल्यूवी ईट्स के लाइफ और वर्क्स को। तो दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं सीधे लाइफ एंड वर्क्स ऑफ डब्ल्यूवी ईट्स। डब्ल्यूवी ईट्स वॉज बॉर्न, डब्ल्यूवी ईट्स पैदा हुए थे एट सैंडी माउंट, इस जगह पर पैदा हुए थे नियर डबलिन, और सैंडी माउंट जो है वो डबलिन के करीब है। ऑन जून 13, 1865 यानी 13 जून 1865 में सैंडी माउंट डबलिन में डब्ल्यू वी ईट्स का जन्म हुआ था। पॉइंट नंबर सेकंड, ही डाइड ऑन जनवरी 28, 1939। इनकी मृत्यु 28 जनवरी 1939 को हो गई थी। पॉइंट नंबर थर्ड, हिज फादर वॉज रेप्यूटेड पेंटर, इनके पिता एक रेप्यूटेड पेंटर थे। पॉइंट नंबर फोर, हिज पेरेंट्स मूव्ड टू लंदन, इनके माता पिता लंदन चले गए थे इन द डेज ऑफ हिज बॉयहुड यानी डब्ल्यू वी ईट्स के बॉयहुड के समय। पॉइंट नंबर फाइव, एट द एज ऑफ 10, 10 साल की अवस्था में ही वेंट टू लंदन, डब्ल्यू वी ईट्स लंदन गए। वेयर ही अटेंडेड स्कूल, जहाँ पर उन्होंने स्कूल को अटेंड किया था। पॉइंट नंबर सिक्स, एट द एज ऑफ 15, 15 साल की अवस्था में ही रिटर्न्ड टू आयरलैंड, ये आयरलैंड वापस लौटकर आ गए। एंड ज्वाइंड द स्मिथ स्कूल इन डबलिन, और डबलिन में इन्होंने स्मिथ स्कूल को ज्वाइन किया। नंबर सेवन पॉइंट, हिज फर्स्ट पोयम वॉज पब्लिश्ड एट द एज ऑफ 19, डब्ल्यू वी ईट्स की पहली पोयम 19 वर्ष की अवस्था में पब्लिश्ड हुई थी। द टाइटल ऑफ हिज फर्स्ट पोयम वॉज, और पहली पोयम का जो टाइटल था वो था आइसलैंड ऑफ स्टोन्स। इट वॉज पब्लिश्ड, ये पब्लिश्ड हुई इन द डबलिन यूनिवर्सिटी रिव्यू, इसमें पब्लिश्ड हुई थी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, एट द एज ऑफ 21, 21 साल की अवस्था में ही वॉज पब्लिश्ड हिज ड्रामेटिक पोयम, इनकी एक ड्रामेटिक पोयम पब्लिश्ड हुई, और ड्रामेटिक पोयम का नाम था मोशोडा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, द वंडरिंग्स ऑफ ओशम, द वंडरिंग्स ऑफ ओशम वॉज द फर्स्ट बुक, इनकी पहली किताब का नाम द वंडरिंग्स ऑफ ओशम था, विच एस्टाब्लिश्ड हिज रेपुटेशन, इस किताब से इनकी रेपुटेशन बढ़ी एज ए लिरिसिस्ट, एक लिरिसिस्ट के रूप में। इन दिस बुक, इस किताब में द इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू फिलॉसफी इज क्लियरली सीन, हिंदू फिलॉसफी जो थी वो साफ साफ प्रभावित हुई। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज द आयरिश पोएट एंड प्ले राइटर, ये आयरिश पोएट थे और प्ले राइटर थे। नंबर नेक्स्ट, ही वॉज द लीडर ऑफ आयरिश लिटरेरी रिवाइवल मूवमेंट, ये लीडर थे यानी नेता थे आयरिश लिटरेरी रिवाइवल मूवमेंट के। नंबर 12 पॉइंट, इन 1923 में ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज, इनको नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया था और लिटरेचर साहित्य के लिए। एंड वॉज अवॉर्डेड और सम्मानित किया गया ऑनोररी डिग्रीज बाय सेवरल यूनिवर्सिटी यानी कई विश्वविद्यालयों से इन्हें ऑनोररी डिग्रियां भी प्राप्त हुई। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जे डब्ल्यू बीच कॉल्स हिम, जे डब्ल्यू बीच डब्ल्यू ईट्स को कहकर पुकारते थे द फाइनेस्ट पोएट ऑफ द मॉडर्न एज यानी मॉडर्न एज के सबसे अच्छे पोएट कहकर पुकारे जाते थे। अब डब्ल्यू ईट्स के कुछ प्लेज को देखते हैं। पहला है द काउंटेस ऑफ कैथलीन, नंबर सेकंड प्ले है द आवर ग्लास, नंबर थर्ड प्ले है द किंग्स थ्रेस होल्ड। तो दोस्तों,
ये उनके कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेस थे। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ डब्ल्यू वी ईट्स के द्वारा लिखे गए कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स की। मोशोडा एक ड्रामेटिक पोयम है, 1886 में आई। सेकंड है द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, ये आपके सिलेबस में भी है, 1890 में आई। ईस्टर 1916 में आई। द सेकंड कमिंग 1920 में आई। द टावर ये कलेक्शन ऑफ पोयम है जो 1928 में आई, और द टावर जो कलेक्शन ऑफ पोयम है इसमें एक पोयम पब्लिश हुई थी, उसका नाम था सेलिंग टू वाइजेंटियम। तो दोस्तों ये कुछ डब्ल्यू वीट्स के इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द पोयम द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, ये पोयम आपके सिलेबस में है। चलिए कुछ पॉइंट्स इसके जानते हैं। दिस पोयम वॉज कम्पोज इन 1893, ये जो पोयम है वो कम्पोज्ड की गई 1893 में। इट इज अ पास्टरल लिरिक, यह एक पास्टरल लिरिक है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, द पोएट हैड बीन इन लंदन, कवि लंदन में रह रहे थे सिंस 1887 से, एंड वॉज फेड अप मतलब होता ऊब जाना, और ये ऊब चुके थे इट्स मैकेनिकल एंड आर्टिफिशियल लाइफ, यानी यांत्रिक और कृत्रिम जीवन से कवि ऊब चुके थे। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, द पोएट हैड हिज टीन्स, कवि अपनी टीन उम्र में थे यानी टीन एजर में थे, इन्जॉयड और इन्जॉय कर रहे थे द लेक कंट्री को ऑफ इनिसफ्री, यानी इनिसफ्री नामक लेक कंट्री को इन्जॉय कर रहे थे इन सिलेगो में। तो दोस्तों ये था आपके लाइफ एंड वर्क्स ऑफ डब्ल्यू वी ईट्स। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छबी सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों बहुत जल्दी मैं डब्ल्यू वी ईट्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।